हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रुबीना, आज मैं आप लोगों के साथ रोज़ वाटर की रेसिपी अब शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हम रोज़ वाटर जो प्योर होता है मार्केट से लेते हैं तो बहुत महंगा पड़ता है, और मैं यूज़ जो करती हूँ कामा का वो तो बहुत महंगा होता है। मैं बहुत ही सस्ता रोज़ मिल जाता है, देसी जो गुलाब आते हैं उससे आप घर में बहुत अच्छे से स्टीम से बना सकते हैं एकदम प्योर वाला, तो वही मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, कहीं भी देसी गुलाब मिल रहा है थोड़ा सा ही 10-20 रुपये का, 50 रुपये का लेके आप ढेर सारा बना के रख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। पतीला ले लेंगे, उसमें पंखुड़ियाँ गुलाब की निकाल के रख लेंगे। उसमें कोई भी जाली का स्टैंड या कुछ भी कटोरी उटोरी आप नीचे रख के, उसमें एक कटोरी है, मैं बुन चाइना की कटोरी इसमें रख रही हूँ, और पंखुड़ियाँ डूबने तक ही पानी में डालना है उसमें। और अभी गैस एकदम तेज़ कर देंगे, तेज़ आँच पे इसको पहले रखेंगे। फिर इसको कुछ है, जैसे मैं थाली इस पे ढक रही हूँ, कोई भी गहरा बर्तन जैसे ढकना, कोई गहरा ढकना, क्योंकि इस पे हम बर्फ़ रखेंगे तो ऐसे गहरा होना चाहिए थाली टाइप की। तो तेज़ मैंने गैस तेज़ कर दिया है, अब इस पे बर्फ़ रख के टुकड़े रख देंगे। ये बर्फ़ के टुकड़े ऐसे जैसे भाप नीचे बनेगी तेज़, जैसे तेज़ आज है भाप बनेगी तो ये ठंडे से टकरा के स्टीम, तो उसमें रोज़ वाटर जो स्टीम से बन के तैयार होगा भाप से, वो कटोरी में जमा होगा इसी बर्फ़ से। देखिए जब बर्फ़ पिघलने लगे तो गैस हम स्लो कर देंगे, मीडियम से स्लो आँच पे रख के इसको 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही बर्फ़ पकाएंगे। जैसे बर्फ़ अगर पिघलने लगे कम हो जाए तो इसमें और भी डाल सकते हैं। इसमें जो पानी इकट्ठा हो रहा है, पानी किसी चीज़ बर्तन से निकाल के इसमें और भी बर्फ़ के टुकड़े ऐसे 2-3 बार 4 बार आप कर सकते हैं। इससे बर्फ़ जब तक इस पर रहेगा तब तक स्टीम बन बन के टकरा के कटोरी में वो इकट्ठा होती रहेंगे, जो प्योर बनेगा हमारा गुलाब जल उसमें कटोरी में इकट्ठा होता रहेगा। इसी तरह से करते रहेंगे हम 3-4 बार, कम से कम 15 से 20 मिनट 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे ऐसे स्लो आंच पे। देखिए तो मैंने 20 मिनट पका लिया है, मैंने 4-5 बार रखा था और बहुत अच्छे से हो गया है, स्टीम भी इसमें अच्छी बनी थी। देखिए कटोरी थोड़े से कम है, भर गई है कटोरी। इसी तरह से बहुत ज़्यादा जी कोई कामा का हम लेते हैं 1150-1150 का पड़ता है बड़ी वाली बॉटल, तो ऐसे घर पे एकदम प्योर वही वाला तैयार हो जाता है। और बाकी ये जो नीचे पंखुड़ियों का गुलाबी कलर का दिख रहा है, इस ये भी गुलाब जल ही है, इसको हम बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे, इसको भी हम रख देंगे। अब इसको कांच की बॉटल में रख के रख सकते हैं। देखिए मैंने वो पंखुड़ियाँ भी छान के रख ली थी, और ये जो प्योर वाला स्टीम वाला तैयार हुआ है वो तो हुआ ही है, दोनों तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। पहले क्योंकि वो जो वाइट वाला है वो ज़्यादा दिन तक ख़राब नहीं होगा, तो इसको पहले इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको 1 महीने तक इसको भी फ्रीज में रख के यूज़ कर सकते हैं। और जो ये स्टीम प्योर वाला है इसको हम 6-7 महीने 8 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। फ्रिज में रख लीजिए, थोड़ा थोड़ा निकाल के आप यूज़ करते रहिए, और इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आती है, एकदम बिल्कुल भी कामा वाला ऐसा नहीं लगेगा कि हम बाहर से नहीं लिए हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है, और ज़रूर बनाइएगा। चलिए फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। आप लोग को अगर कोई रेसिपी कुछ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं, मैं ज़रूर बनाऊँगी दिखाऊँगी। अल्लाह हाफिज़।